नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की रुझ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूँ आर के सिंह। इस समय मैं रोहतास जिले के संघाली प्रखंड के गांव कोनी में उपस्थित हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां पर शिव भक्तों के द्वारा एक भंडारे का आयोजन किया गया। यहां पर माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग शिव चर्चा किए और शिव चर्चा के बाद आरती हुआ और आरती के बाद में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दो स्टॉल लगा हुआ, एक जेंट्स के लिए और एक लेडीज के लिए। पारी पारी से यहाँ पर शिव भक्त के अलावा जो भी ग्रामीण हैं, दूर दराज से जो भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पर इस भंडारे में प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। काने काने हम देखे, बताओ के नहीं देखे। नवरात्रि पूजा के शुभ अवसर पर हमारे गांव में भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसे काफ़ी श्रद्धालुगण आए हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा हमारे गांव के लिए अच्छा कार्यक्रम है, जो कि सब में एकजुटता का, समाज में एकजुटता का प्रतीक करता है। हाँ, इस पर भी योजना चल रहा है। हमारे गाँव के जो जीवन लोग हैं उसमें लगे हुए हैं, वहाँ शिव मंदिर के लिए और वहाँ बगीचा में बजरंग बली के मंदिर के लिए इस पर चर्चा चल रही है, वो भी कुछ दिन में पूरा ही हो जाएगा। सबसे पहले हम शिव गुरु के प्रणाम करतानी। हमार नाम किरण देवी, ग्राम कोनी से हम बोलतानी। हमरा गांव में शिव चर्चा हर साल होला, दशहरा के भंडारा अभी चालू बा, सब कोई प्रसाद पाके बड़ी खुश बा, सारा गांव के सहमत से ये भंडारा होता। नाम के है?
ठीक है। हमारे गांव में बहुत बढ़िया शिव चर्चा हुआ, आज बहुत सारे लोगों का भोजन का व्यवस्था किया हुआ है और गांव में सभी लोग उत्साहित हैं और गांव का सभी लोग अपना खाना वाना खिला रहे हैं सबको, है ना। आज शिव चर्चा बहुत बढ़िया ढंग से। क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम श्रीनिवास चौधरी है। शिव चर्चा के उपलक्ष्य में सब भोजन कराया गया है, शिव चर्चा हुआ यहाँ और यहाँ सभी आदमी को व्यवस्था बना करके भोजन कराया जाएगा। शिव मंदिर अधूरा है, शिव मंदिर भी बनेगा, शिव मंदिर का भी चर्चा चल रहा है। हाँ हाँ, शिव मंदिर भी बनेगा, शिव मंदिर एकदम बनेगा, भव्य बनेगा शिव मंदिर पूरी का एक। वो तो हम अकेले बना देंगे शिव मंदिर का, थोड़ा सा मेरा मनोकामना है उसको पूरा हो जाएगा मेरा, तो हम अकेले शिव मंदिर बना। चलिए धन्यवाद। शिव चर्चा जो लोगों का मन मस्तिष्क बदल रहा है, लोगों का रहन सहन प्रेम भाव बढ़ रहा है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पूछ रही है? यहाँ पर मैं पटल दे रहा हूँ, जो लोग आ रहे हैं उसको मैं पटल दे रहा हूँ। सेवा भाव में लगे हुए हैं। हाँ हाँ, सेवा। काली मंदिर तो बन गया, अब शिव का मंदिर क्या अभी तो अधूरा है क्या? इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आशा है कि ये काम पूरा होगा, बन जाएगा ना। हाँ। Yeah।
शिव चर्चा से क्या लाभ है? बहुत लाभ है। जैसे जो बोलते हैं तो शंकर जी पूरा कर देते हैं। ये आपके गांव में शिव चर्चा का भंडारा हो रहा है? हाँ, भंडारा। कैसा आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब इस बार भंडारा हुआ या पहले भी होता था? पहले भी होता था। पहले से ये मतलब ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आप शिव भक्तों को क्या मैसेज देना चाह रही हैं? शिव भक्तों के अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुंवारी कन्याओं के साथ में कुछ बच्चे भी उपस्थित हैं और प्रसाद को ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्टॉल लगा हुआ है, एक स्टॉल में महिलाएं हैं और दूसरे स्टॉल में पुरुष हैं, जो कि दोनों तरफ प्रसाद को दिया जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण आप आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से रोहतास कोनी से देख रहे हैं। काली मंदिर का स्थान तो बन गया है, शिव का मंदिर तो बना चुकल जी, बनावल जाई कब से? अब से धान पान हो, किसान बन गए तो किसान धान पान हो, गहूम हो तो दे के बनावल जाई। और यहाँ पर ब्रह्म भोज का जो व्यवस्था किया गया है, ये पहली बार है या दूसरी बार है इसके विषय में? आप लोग ब्रह्म भोज कब से कर रहे हो? एक साल जैसे जैसे आदमी ज्ञान बहुत आदमी। और किसी और को मंदिर में ध्यान देवे के होता है। सब में कोई भी काम आसान हो जाता है।
अब हम मिक्सर लाए हुए चटाई की बैठ के चर्चा होता है प्रसाद और मिक्सर खाता एक साथ भोजन ग्रहण करता अब यहाँ से जीव की ओर चली जाए सब भाई बहन से कौन है भाई बहन अब जैसे सब कोई अपने गांव महल सब बनाने जाए काली मत अब शिव जी की ओर देखे जाए शिव जी के मंदिर बन अब उतना बन गए अब फल छावे के बाद भाई बहन से कि बस साथ मिल के एकता में बोलना बनाएंगे ये हम कहें धन दे ना बता मेरा धन।